दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी आपने देखा होगा फैमिली आईडी में कुछ गलत चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोगों की पेंशन बंद हो गई, राशन कार्ड कैंसिल हो गए, उसमें इनकम ज़्यादा दिखा दी गई। अब सॉफ्टवेयर की कमी रही हो या जिन्होंने इनकम डाली हो उनकी कमी रही हो, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और पब्लिक की परेशानी को देखते हुए वार्ड नंबर 43 के समाज सेवी सिकंदर बैठसन जो वकील भी हैं, उन्होंने अपने कार्यालय पर एक कैंप लगवाया है जिसमें फैमिली आईडी में सुधार कराया जा रहा है। देखिए काफ़ी लोग आए हैं जो फैमिली आईडी में सुधार करवा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं इधर एक बैनर भी लगा है और आप नेता हैं सिकंदर बैठसन। आप लोग देख रहे हैं निःशुल्क कैंप, गरीबी रेखा राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। आप लोग देख रहे हैं इसमें करेक्शन हो रहा है और इधर पब्लिक करेक्शन करवा भी रही है। आप लोग देख रहे हैं ब्राह्मण धर्मशाला के जस्ट बगल में इनका ऑफिस है और देख रहे हैं ब्राह्मण भवन लिखा हुआ है, तो यहीं पर इनका ऑफिस है। आइए बातचीत भी करेंगे लोगों से और सिकंदर बैसणों से। हाँ भैया, आपका क्या नाम सर? दीपक गुप्ता जी। कहाँ रहते हैं सर? सुहास कॉलोनी। फैमिली आईडी में जो सुधार हो रहा है, राशन कार्ड कट गए थे लोगों के, राशन बंद हो गया, पेंशन बंद हो गई, अभी सुधार उसमें होना चाहिए, तो इसी तरह के कैंप लगने चाहिए। बहुत बढ़िया, तो भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, AD ऑफिस में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, वहाँ जगह वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। कम से कम सुबह से शाम तक नंबर नहीं आ पा रहा। मैं 2 दिन हुआ है वहाँ जगह, नंबर नहीं आया। काम हो गया आपका? अभी नहीं हुआ। डेटा दे दिया आपने? डेटा रजिस्ट्रेशन करवा लिया? हाँ जी हाँ जी, फैमिली आईडी वहाँ जमा, वो चेक करवा, जमा करा दिया आपने? जमा करा दिया। परेशान है आप? राशन कार्ड कट गया? कट गया भैया राशन कार्ड। कट गया राशन कार्ड? और का कट गया। चलो भैया हमारे भी कट गए बेटा। कट गए? हाँ। चलो सुधार करा रहे हैं। गरीब आदमी किराए पर है 20 साल, 25 साल। कट गए हमारे भी? कट गए भैया। कट गए? हाँ। राशन बंद? बंद राशन गए। हमारे भी कट गए 20 साल किराए पर है बेटा, राशन भी बंद। 2.5 लाख एकदम। 2.5 लाख? हाँ। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे, गरीब आदमी किराए पर है बेटा, बताओ छोटे छोटे बच्चे परेशान हो। 2.5 लाख हमारे भैया सिकंदर करवा रहे हैं काम। इनकम ना है, 2.5 लाख रुपया आ गया भैया। अच्छा, कोई इनकम ना, हमारी नौकरी छूट गई भैया। अच्छा, नौकरी हाँ, छूट गई? हाँ, अब नहीं लगने का, कह रहे 60 साल के हो गए, अब ना लगना है। चलो अभी सुधार करा रहे सिकंदर जी, कम से कम कोई तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा भैया, उनके काम से खुश है? हाय भैया, 2.5 लाख तनख्वाह का, नौकरी है नहीं, 2.5 लाख दे दिया। चलो हो जाएगा काम, हो जाएगा, अब सुधार हो रहा है आपका तो काम हो ही जाएगा। थोड़ा हटना सिकंदर भैया, थोड़ा सा एक मिनट आप समय देना मुझे। देखिए काफी लोग आए हैं मैडम। हाँ, हाँ, चाहिए बेटा, बनेगा क्यों नहीं? हाँ, जरूर बनेगा। आप लोग देख रहे हैं, गरीब आदमी काट रहे हैं, राशन सब बंद, गरीब 60 साल होएगा, कागज बने हुए नहीं बन रही, सबकी दिक्कत आ गई। देखिए पब्लिक की दिक्कत आ गई और उन्हीं दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। ये थोड़ा आगे दिखा देंगे, फिर सिकंदर जी से बातचीत भी करेंगे। काफ़ी लोग आए हैं जो भी, जिनको भी खबर लग रही है कि यहाँ पर फैमिली आईडी में सुधार हो रहा है, कैंप लगा हुआ। देखिए सॉफ्ट ऑपरेटर आए हुए हैं जो कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं और करेक्शन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर काम हो रहा है। इनकम ज़्यादा दिखा दी गई, सबकी यही दिक्कत है कि इनकम ज़्यादा दिखा दी गई। हाँ, थोड़ा हटना मैडम। भैया ये साथ के साथ आप करेक्शन हो जा रहा है भैया? थोड़ा सा करेक्शन हो जा रहा है साथ के साथ? हाँ जी, करेक्शन, इनकम में करेक्शन हो रही है, तो इसके बाद राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा? हाँ जी, अपडेट हो जाएगा, मिलेगा राशन? हाँ मिलेगा। आपका नाम सर बता दो, कोई दिक्कत नहीं? आपका नाम? कोई दिक्कत नहीं, नाम तो होगा। अच्छा काम कर, लोकेश? लोकेश? लोकेश, ठीक है भाई, अच्छा काम है। काफी सोच विचार के बाद लोकेश ने अपना नाम बताया है। अब हाँ, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ, जो भी बोलना है बोलो। हाँ, अपनी परेशानी बताओ ताकि सरकार भी आपकी परेशानी को दूर करे। थोड़ा भैया सिकंदर से बातचीत कर लेंगे, काफी बिजी हैं। देखिए पब्लिक ने इनको घेर रखा है। कैमरामैन भाई बैठ जाओ चाहे आप। हाँ चलो ऐसे खड़े रहो। भैया नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज आपने कैंप लगवाया है वो भी निशुल्क? अरे सर, हम तो चाहते हैं। क्या सोच के, क्या देख के, क्या परेशानी महसूस की आपने? जी सर, बहुत खुशी हो रही है कि हम जनता के काम कर रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। फैमिली आईडी, वोटर आईडी और BPL कार्ड, ये निःशुल्क जो है, किसी को नए बनवाने हैं उनके बनाए जा रहे हैं, किसी को करेक्शन करानी है वो करी जा रही है,
तो यहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा भी हमारी जनता से अपील है, जो हम एक रजिस्टर बना रहे हैं जिसमें कि किसी को कोई परेशानी होती, किसी का सीवर ब्लॉक है, किसी के इलाके में नाली ब्लॉक पड़ी है, किसी के बिजली के खंभे हैं, तो उनकी शिकायतों को भी यहाँ पर लिखा जा रहा है, जिसका समाधान हम इस कैंप के बाद में कराएंगे। अच्छा अच्छा, यानी जो भी समस्याएं होंगी आप नोट ही कर रहे हैं एक तरह से, और एक एक करके समाधान, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो जनता है वो किन परेशानियों से जूझ रही है, हम उन परेशानियों के ऊपर काम करेंगे। फिर फिलहाल तो राशन मिलना चाहिए पब्लिक को, और फैमिली आईडी में सुधार होना चाहिए, बीपीएल में नाम जोड़ा जाना चाहिए, और कई लोगों की पेंशन भी बंद हो गई है। जी बिल्कुल सर, बहुत परेशान है लोग, अभी आप देख रहे हैं ये तो बहुत अभी उस हिसाब से कम है लोग। अभी थोड़ी देर पहले अगर आप आते थे यहाँ पूरा बाहर तक हुजूम उड़ा हुआ था, मैंने सुना यहाँ भीड़ लग गई है, तभी तो हम आए। हमने सुना यहाँ भीड़ लगे इनके कार्यालय पर, धूप होनी शुरू हो गई है, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए अब टेंट लगवाया जा रहा है ताकि लोग फिर से इकट्ठे हो जाएं। चलो ठीक है, देखिए जिनको भी खबर लग रही कब तक काम होगा, कितने बजे तक? सर ये 3 दिन लगातार चलेगा, आज कल और परसों, 3 दिन तक चलेगा। आप लोग सोचिए 3 दिन में आप लोग अपना काम यहाँ पर करा सकते हैं। आप भी अपने मुँह से एड्रेस बता दीजिए कैसे आना है। ये मुकेश कॉलोनी में है, ब्राह्मण भवन के पास, जिसे ब्राह्मण धर्मशाला भी बोला जाता है, सब्जी मंडी अनाज मंडी रोड, मुकेश कॉलोनी बल्लभगढ़ में। ये कार्यालय आम आदमी पार्टी है, ठीक है जी। यहाँ पे आके आप अपनी सारी समस्या बता सकते हैं और उनका समाधान किया जाएगा। कोई आपका नंबर वंबर है, कोई फोन करके पता कर ले, इंक्वायरी कर ले? बिल्कुल सर, 9716515537 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और अगर किसी को रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं व्हाट्सएप पे उसे लोकेशन शेयर कर दी जाएगी। तो सबको पता ही होगा ब्राह्मण भवन के बारे में और अनाज मंडी के बारे में। हाँ, ब्राह्मण धर्मशाला ये किसी स्पेसिफिक एरिया या वार्ड के लिए नहीं है, यहाँ पूरे बल्लभगढ़ का क्या, पूरे फरीदाबाद का भी आदमी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और अच्छी बात है जी, और अच्छी बात, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। आप बताइए, आप बताइए। 40 साल से किराया पर आ रहा है, हम बहुत परेशान, हमें भी पता है आप परेशान है, हमें भी पता है, किराए पर रह रहे बेटा 40 साल होएगा किराए पर रहते, ना घर है ना मकान है, नौकरी ना है। अब तो काम हो रहा है मैडम, हो सकता है आपका काम हो जाए। राशन भी ना मिल रहा, हमें तो राशन कार्ड ही ना हमारा, तो बताओ अभी तक बना के ना दे, कह दे अमीर कहाँ यू हो, पटरी पर रेहड़ी लगाते हैं, बताओ। चलो उम्मीद करते हैं काम हो जाएगा, फिर से जो गलती हुई थी सुधार होगा, क्योंकि सरकार कर रही काम, सुधार करवा रही। मनीष भैया कुछ कहना चाहते हैं आप भी पब्लिक से? ये पब्लिक के लिए निशुल्क कैंप लगाया गया है, और जो भी अगर समस्याएं, लोग ज़्यादा परेशान होंगे, ज़्यादा परेशान है सरकार में इसमें, जो गरीब लोग हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनके वो राशन कार्ड काट दिए गए हैं, बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, बहुत परेशान हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, तो लोग कह रहे थे कि आप कैंप लगाओ, कुछ सुविधा दे पाओ, बनता तो सरकार का काम है, पर समाज सेवी हमारे सिकंदर वैष्णव जी वकील साहब ये अपना कैंप लगा रहे हैं, 3 दिन तो हमारा ये कैंप चलेगा ही, पर जैसे अगर लगता है कि लोगों की और रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम इसको बढ़ाएंगे भी आगे, ठीक है। ये हम जहाँ के भी लोग आना चाहें फरीदाबाद में, वो लोग आके अपना काम करा सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी आ सकता है फरीदाबाद का, कहीं भी, जरूरी नहीं कि जो वार्ड 43 का रहने वाला हो, निवासी हो, वही आए, कोई भी आ सकता है, अपना काम करा सकता है, तो बहुत अच्छा किया भाई साहब। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने वार्ड का ही काम करते हैं, लेकिन आपने पूरे फरीदाबाद का काम शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है। आपको हमने बता दिया एड्रेस, ब्राह्मण धर्मशाला के जस्ट बगल में सिकंदर वैष्णव का ऑफिस है, बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, आप लोग देख रहे हैं कार्यालय, मनीष वैष्णव, सिकंदर वैष्णव, आम आदमी पार्टी बल्लभगढ़, और एड्रेस वगैरह मुकेश कॉलोनी, और जो मंदिर है, क्या मंदिर नाम बता? ये मूर्ति मंदिर भोला, मूर्ति मंदिर भोलानाथ जी, जो मंदिर है, काफ़ी आस्था है का केंद्र है ये मंदिर, यहीं पर इनका ऑफिस भी है। आप लोग यहाँ पर आएँ, फैमिली आईडी, राशन कार्ड में सुधार कराएँ, नए राशन कार्ड बनाएँ, नए बीपीएल कार्ड बनाएँ, नए फैमिली आईडी कार्ड बनाएँ, आपको यहाँ पर मुफ्त सुविधा है, कोई पैसा नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया है, निःशुल्क सुविधा है, निःशुल्क सुविधा है, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, जो आए उनका स्वागत है, उनका सम्मान है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।